गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत वुड तोड़ लेते हैं। तो मेरा गोल है कि हम आयरन आर्मर बनाएं और एक बहुत ही प्यारा सा जापानीज हाउस बनाएं। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना दिया है, आप देख सकते हो, और मैंने थोड़ी बहुत स्टिक्स भी बना लिया है। अब हम क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं और थोड़ी बहुत टूल्स बना लेते हैं। तो मैंने पहले स्वॉर्ड बनाई है और एक पिक एक्स और एक एक्स। तो पहले हमें यही तीन टूल्स लगते हैं, देन शॉल और होक का यूज करके हम बाकी काम करते हैं। तो क्राफ्टिंग टेबल को मैंने कलेक्ट कर लिया है और अब हम घर बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। गाइस, घर बनाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो इसके लिए हमें काफ़ी रिसोर्सेज भी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत वुड तोड़ लेते हैं। तो ढेर सारी वुड कलेक्ट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैंने बहुत सारी वुड कलेक्ट कर ली है। तो चलो अब हम इससे घर का बेसिक शेप ले लेते हैं। तो मैंने गाइस घर का बेसिक शेप दे दिया, आप देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब मैंने इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है एंड मैं सोच रहा हूँ इसको स्ट्रिप कर दें ताकि ये और भी अच्छा लगे। तो गाइस, अभी हम क्राफ्टिंग टेबल से बहुत सारे प्लैंक्स बनाएंगे ताकि हम अपने घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकें। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं प्लैंक्स को कुछ इस टाइप से लगाऊँ, आई थिंक ये ऐसे अच्छे लगेंगे। गाइज, मैंने डिसीजन चेंज कर लिया और अब यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत स्टोन, एंडेसाइट और कॉगल स्टोन लगा रहा हूँ एंड मैंने लगा दिए हैं। तो अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने डोर लगाया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके साइड में स्टोन ब्रिक्स के स्लैब्स की एक लेयर लगा दें। तो चलो इसको लगा देते हैं। तो मैंने स्टोन ब्रिक्स की लेयर लगा दी है एंड अब आप देख सकते हो हमारा घर काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है गाइस। तो अब हमें सेकंड फ्लोर बनाना है, तो इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रिप स्प्रूस लॉग दिए हैं एंड ये मैंने पास वाली बायोम से लाए हैं। तो गाइस, हमारा घर पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा जापानीज हाउस बना है, ये अंदर से भी काफ़ी प्यारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक फार्म बना दूँ एंड ऊपर मैं हम अपना रहने का एरिया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सोचा है कि मैं बेडरूम बनाऊँ एंड सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर मैंने लीव्स लगाई है और उसके ऊपर वॉल लगा के टॉर्चेस लगाई है ताकि अंधेरा ना हो और घर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस स्टेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गई है। तो चलो अब नीचे जाते हैं और माइनिंग करके हमें पूरा आयरन आर्मर बनाना है। तो मैं नीचे आ चुका हूँ, अब हमें माइनिंग करनी है और आयरन आर्मर बनाना है। तो ढेर सारी माइनिंग करते हैं। गाइस, मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल मिल चुका है तो हम इसको माइन कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा होता है, इससे हम आयरन को स्मेल्ट कर सकते हैं और जो भी रॉ ओर्स होते हैं उनको भी हम स्मेल्ट कर सकते हैं। तो चलो कोल थोड़ा बहुत माइन कर लेते हैं एंड यहाँ पे गाइस बहुत सारा कोल है, चलो इसको माइन कर लेते हैं। गाइस, अब हम आगे स्ट्रिप माइनिंग करते हैं ताकि हमें आयरन मिल सके और जब हमारा पूरा आयरन का सेट बनेगा तब हमें डायमंड्स भी मिलेंगे। तो
तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा आयरन मिल चुका है, तो अब इसको माइन करते हैं। एंड मेरे को आयरन आर्मर भी बहुत जल्दी बनाना है। ओह यहाँ पे बहुत सारा आयरन है गाइस, चलो इसको माइन कर लेते हैं। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अगले एपिसोड में ही हम डायमंड आर्मर बना देंगे एंड फिर बहुत सारे फार्म्स भी अगले एपिसोड में बनाएंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने टॉर्च लगा दिया ताकि अंधेरा ना हो। एंड अब यहाँ पे हम स्ट्रिप माइनिंग करते हैं गाइस। यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत कॉपर मिल चुका है, तो कॉपर ले लेते हैं, क्योंकि कॉपर से हम बना सकते हैं ब्रश एंड स्पाई ग्लास। तो ब्रश से हम सस्पिशियस सैंड को साफ कर सकते हैं, उसके अंदर से हमें बहुत सारी आइटम्स मिलती है। एंड स्पाई ग्लास से तो आपको पता ही है कि हम कितना दूर की चीज़ें सामने देख सकते हैं। तो ढेर सारा कॉपर कलेक्ट कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पे सामने मेरे को आयरन भी दिख गया था, मैंने थोड़ा बहुत माइन कर लिया था। एंड अब इसको हम तोड़ लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारा आयरन है, वाओ गाइस आज तो हमारी लॉटरी लग गई, आज तो बहुत सारा आयरन मिल गया। तो अब इसको माइन कर लेते हैं। ओ यहाँ पे पीछे में भी बचा हुआ है, इसको भी माइन कर लेते हैं। ओके गाइस तो मैंने आयरन माइन कर लिया है एंड अब हम इसको स्मेल्ट कर लेते हैं ताकि हम आयरन आर्मर जल्दी से बनाएं। गाइस मेरे को वहाँ पे बहुत सारा आयरन मिल गया था एंड मेरे को कॉपर भी मिल गया था, तो उसको भी स्मेल्ट कर लेते हैं। ओके तो मैंने आयरन स्मेल्ट कर लिया है, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे आयरन का पूरा आर्मर टूल्स एंड थोड़ी बहुत शील्ड। गाइस मैंने पहले भी थोड़ा बहुत आयरन माइन किया था, मैंने शेयर्स बनाए थे एंड लीव्स कलेक्ट करने के लिए शेयर्स चाहिए होते हैं। तो मैंने आयरन आर्मर पूरा बना लिया है एंड अब हम बनाएंगे थोड़े बहुत आयरन के टूल्स। तो गाइज मैंने आयरन के टूल्स भी सारे बना लिए और शील्ड भी बना लिए। तो अब गाइज हम चलते हैं बाहर और देखते हैं, थोड़ा बहुत फन करते हैं। चलो नीचे चलते हैं गाइज। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम घर के अंदर वाले पार्ट में बहुत सारे, ओ माय गॉड ये मेरे को किसने मारा? ओ यहाँ पे स्केलेटन है, अरे तू मेरे को मार रहा है। गाइज इस कंकाल को मैंने ख़त्म कर दिया है। एंड गाइज आपको मेरा घर कैसा लगा और